गाइस वो कहते हैं ना किसी जगह पे जाओ ना एक्सप्लोर ना करो तो ठीक से जानकारी नहीं मिलती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस जगह आके। हाँ वीडियो बन रही है अम्मा। नाग नहीं है, एक कहानी है ना इनके बारे में, कालिया नाग है ये। कालिया नाग नहीं है, काली नाग का वंशज है, वंशज है उनके। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आज का दिन कुछ खास होने वाला, आज का ब्लॉग भी खास होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की नाग पंचमी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आपको और आपके परिवार को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और गाइस अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से आती ही रहती है। और जब कोई परेशानी नहीं होती है ना, तो आपका भाई कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता है कि कोई ना कोई परेशानी आ कूदती है। लेकिन गाइस परेशानियों से डरने की बजाय, उनसे घबराने की बजाय, उनसे लड़ना सबसे बेहतर ऑप्शन है और यही सही तरीका है ज़िंदगी जीने का। तो आपका भाई भी लड़ रहा है, आप भी लड़ते रहिए, बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए और बढ़ते जाइए। एक न एक दिन बंसीवाला आपका हाथ पकड़ के आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा ही देता है। तो आज की बसंत पंचमी है और लास्ट संडे को मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी को सुन रहा था, जो मन की बात प्रोग्राम आता ना उसी में, तो वो मेलाओं के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेले लगते हैं। आज नाग पंचमी को हमारे मथुरा में भी एक मेला लगता है। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ पर गया था, उसके न्यू घर की ओपनिंग पर और उसके बेटे के जन्मदिन में। उसी गाँव में जैत में एक कालिया नाग वाला मंदिर है, जिसका मैंने पहले जाके एक वीडियो भी बनाया है। उसके बारे में मैं मोबाइल पर सर्च कर रहा था तो कुछ अलग जानकारियां भी मिली है मेरे को। तो गाइस आप सभी को आज उस मेले में लेके जाने वाला हूं, और जो जानकारियां नई मुझे मिली हैं, मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, गूगल पे भी सर्च कर रहा था। आपको छोटा सा एक डेमो दे के दिखाता हूँ, पहले ये देखिए। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे हाथ में दूसरा मोबाइल है, इस पर मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर कालिया नाग। ये देखिए गाइस कालिया नाग की इसमें वीडियो खुल के आ चुकी हैं। इसमें गाइस आज तक NDTV इंडिया और कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो पड़े हुए हैं और लगभग सब यही जानकारी दे रहे हैं कि ये जो सांप बना हुआ है जैत में, इसको कालिया नाग कहते हैं। ये कालिया नाग है जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में कालीदेह से भगा दिया था, और यहाँ आकर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा था और ये यहीं पर पत्थर के हो गए थे, तब से यहीं पर है। तो सबकी लगभग यही कहानी है, लेकिन इसकी असली कहानी क्या है मेरे को कुछ अलग और पता चला है, इसके बारे में आपको इस ब्लॉग में जानकारी देंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी इसकी मत करना, सटीक जानकारी मिलेगी। हाँ मैंने भी एक वीडियो वहाँ जाके जरूर बनाया है, लेकिन उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी, इसीलिए आज मैंने डिटेल में थोड़ी सी सर्च की है, थोड़ी सी मेहनत की है सही जानकारी निकालने के लिए। तो वो क्या जानकारी है, चलिए मेले में पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आपको बताएंगे। और वैसे भी भाई लगभग 20-22 साल बाद मैं किसी मेले में जा रहा हूँ। छोटे छोटे थे जब बहुत जाते थे मम्मी से पैसे लेके, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी में ऐसी बिजी हुए, फिर बच्चे हो गए, तो कहाँ मेला मिलता है भाई देखने को। आज गाड़ी अपनी महिंद्रा की एजेंसी में पड़ी हुई है, 4-5 दिनों से हम भी घर में पड़े हुए हैं, तो कुछ बाहर निकलते हैं, कुछ खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ मेला भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज मेला दिखाते हैं आपको। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chest. Guys, ye helmet laga la bhi ek alag hi bala hai bhai. Isko na lagao तो जीवन का खतरा, और लगा लो तो बाल बवाल हो जाते हैं। पिछले 10 मिनटों से मैं हाथ मार मार के बालों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन संभलने में नहीं आ रहे, पूरे के पूरे बिगाड़ दिए इसने। और वैसे मैं मेला स्थल पे आ चुका हूँ, ये पीछे सामने की तरफ मेला लगा हुआ है जहाँ के बारे में मैं बता रहा था। अब आगे चलेंगे, पूरे मेले को एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसी दुकान है और किस उपलक्ष्य में लगता है ये।
15-20 साल बाद किसी मेले में आया हूँ। जब छोटे छोटे थे मेरे गांव के पास महुली गांव में मेला लगता था, जो कि मधुबन नाम है महुली का। तब से लेके बहुत कुछ बदल गया है, हम भी बहुत बड़े हो गए तो मेला वगैरह में जाने की इतनी ज़्यादा इच्छा होती नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से घर में पड़े हुए थे तो इच्छा हुई कि आज मेला देख ही आते हैं कैसा लगा हुआ। मेरे को जैत वाले सुबह से, जो हमारे जीजा श्री हैं वो जैत में ही रहते हैं, सुबह से ही कॉल कर रहे थे आने के लिए, बच्चों को भी लाने की, लेकिन बच्चे स्कूल गए थे उनको मैं ला नहीं पाया हूँ, अकेला ही आया हूँ। तो चलिए मेला को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसी कैसी दुकानें लगी हुई हैं। बहुत दिन बाद मेले में आए हैं तो आज मुझे भी मज़ा आने वाला है, बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं यार। तो ये लीजिए गाइस, यहाँ से मेला हो गया स्टार्ट। सबसे पहली दुकान है पानी पूरी टिकिया वगैरह पाव भाजी, और भीड़ देखो भाई, अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ से शुरू होता है, वहाँ से और इधर तक है। चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मेन स्थल है जो कालिया नाग वाला स्थान है। और भाई भीड़ देखो गाइस, खिलौनों की दुकानें हैं। दोनों तरफ को दुकानें खिलौनों की ज्यादातर मिलती है, मेलों में कहीं भी चले जाना सबसे ज्यादा बच्चों के खिलौने ही मिलते हैं, और वैसा ही यहाँ पे भी माहौल है कुछ। हाँ वीडियो बन रही है, अम्मा वीडियो डाल रहा हूँ। अपना पूरा नाम लिखवाए और गले का लॉकेट बनवाए, चावल के दाने पर नाम, चावी के छंदों पर नाम, सुंदर आकर्षक एजेंट पर नाम लिखवाए, एक अद्भुत कला एक चावल के दाने पर। तो गाइस मेन स्थल को ले चल रहा हूँ आपको, पहले तो यार जहाँ भीड़ होती है वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैमरे पे ध्यान रखो कि नीचे सड़क को देखो या भीड़ को देखो। ये वो स्थान है जिसके लिए मेला लगता है नागपंचमी का, यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह दूध वूध चढ़ाने की दुकानें हैं, और ये वो जगह है जिसपे सारा मेले का दारो मदार है। ये देखिए गाइस ये जगह है वो। तो गाइस हमारे सामने एक कालिया नाग है और एक महाराज जी बैठे हुए मिले हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो महाराज जी प्रणाम, आपका शुभ नाम महाराज जी? मैं पंडित नवीन चतुर्वेदी, मूल निवासी जैन। हाँ यहीं के रहने वाले हैं आप। तो महाराज जी हमारे सामने दिख रहा है ये क्या है? ये कालिया नाग का एक जो है विग्रह है। अच्छा जी, प्राचीन काल में ये जो है द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जब काली नामक नाग के आतंक को यमुना में मुक्त किया था वृंदावन में जी। तो उस समय पर जो है उसमें से कुछ नाग इधर उधर भागने लगे जी। इधर नाग पत्नियों ने भी जो है अनुरोध किया भगवान श्री कृष्ण से कि भाई जो है हमारे स्वामियों को छोड़ दिया जाए तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो उसमें से एक बासुकी नाम का नाग था जो कि उसको छोड़ करके काली देव मतलब उसको यमुना जी को छोड़ करके और वहाँ से भागने लगा। तब वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है भाग जा, अगर ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी उन्हें मुड़ के देखा तो वहीं पर पत्थर का हो जाएगा। तो वहाँ से भागते भागते इस सब के बारे में इस तरीके से बदलती है कि यहाँ आकर के इसने जो है पीछे मुड़ के देखा और यहाँ पर पत्थर का हो गया। तो ये बहुत बड़ा विशाल तालाब था हमारे यहाँ पर, तो इस तालाब में ये बीचों बीच में स्थित था। उसके बाद में भारत के पराभव काल में इसको आक्रांताओं ने अनेक तरहों से ट्रीट किया, किसी ने किसी नजरिए से देखा। इसमें तमाम अंग्रेजों ने एक दो गोली भी मारी, इस तरीके के बुजुर्ग लोग बताते हैं
और दूसरी बात यह है कि इसके कभी भी आज तक की तारीख में इसका कोई ये ऑथेंटिक पर्सन नहीं है, कोई ऐसा जो है अधिकृत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि भाई ये मेरे पूर्वजों ने बनवाया है या मेरे पूर्वजों की ये धरोहर है। अच्छा। तो ये नेचुरल है नेचुरल। और रियलिटी में ही यही है कि ये जो है वहाँ से भागा था और श्राप वश जो है इस तरह पत्थर का हो गया, फिर इसे बीच में अंग्रेजों ने तोड़ भी दिया, तोड़ने पर इसको बीच में से तोड़ने पर इसका जो है सारा पानी एकदम रक्त के माफिक हो गया, लाल हो गया और गांव वाले पूर्वज लोग प्राचीन किंवदंती चली आ रही है वो लोग बताते थे कि ये कभी भी डूबा नहीं आज तक, और हम भी इस समय पर जो है अपने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और वैसे भी जो है हमारी आयु भी कम नहीं है तो उसके हिसाब से हमने भी 35 साल विशाल उसको देखा है बारिश को जी। तो उस बारिश के दौरान में कभी भी ये आज तक नहीं हुआ, तो ये सती प्रसन्न शक्ति है। तो महाराज ये कालिया नाग नहीं है? नहीं ये काली नाग नहीं है, एक कहानी है ना इनके बारे में, कालिया नाग है ये कालिया नाग नहीं है, काली नाग का वंशज है, वंशज है उनके। हाँ काली नाग का तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दमन कर ही दिया था और ये उसका एक वंशज है जो वहाँ से भाग आए थे। हाँ जैसे भाई लोग होते हैं छोटा भाई वासुकी नाम का नाग है, ये काली काली का ही परिवार का है। अच्छा। तो वो यहाँ आकर के रहा और ये जैत गांव जो है एक ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर और मघासुर नाम के दो राक्षस थे उनका वध किया था, मघेरा हमारे पास में गांव पड़ता है, तो यहाँ सभी ग्वालों ने उस समय पर जैती जैती के नारे लगाए थे, इसलिए इस गांव को जो है जैत का नाम अपभ्रंश होकर के दे दिया गया। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के दाई ओर आगरा से मथुरा की ओर, आगरा से दिल्ली की ओर जाते हैं तो बाई ओर, और दिल्ली से आगरा की ओर जाते हैं तो दाई ओर। तो महाराज जी ये मेला जो लगा हुआ है हर साल लगता है यहाँ पे? हाँ ये नाग पंचमी वाले दिन यहाँ पर हर बार लगता है। तो ये कब से लग रहा है कि अभी से शुरू हुआ है हाल फिलहाल में? कभी नहीं, प्राचीन काल में तो इसकी पूजा होती थी तो वो जो है संक्षेप में होती थी, और यहाँ पर कुछ अतिक्रमण और इस तरीके की स्थिति आने की वजह से उसको एक मूर्त रूप नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों से महाराज विरक्त संत हैं रमेश बाबा विनीत नारायण जी ब्रज फाउंडेशन के संस्थापक, उन्होंने सहयोग किया, गांव वालों ने भी सहयोग किया, सभी ने सहयोग कर करके इसका जो है कायाकल्प किया है गांव का, और फिर उसके बाद में वहां से इस सर्प को यहाँ पर स्थापित कर दिया, यहाँ मंदिर बना दिया और उसी के बाद में यहाँ पर भव्य मेला लगने लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। यस गाइस, वो कहते हैं ना किसी जगह पे जाओ ना एक्सप्लोर ना करो तो ठीक से जानकारी नहीं मिलती है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस जगह आके और मैंने आपको बताया था, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी मांग रहा हूँ, गलती है मेरी कि मैंने बिना कोई जानकारी के आप लोगों को बोल दिया था कि एक पीछे जो मेरे है कालिया नाग है, लेकिन भाई आज मेरे को जानकारी मिली क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई बताने वाला मेरे को मिला था तो उन्होंने बताया कालिया नाग नहीं है, कालिया नाग का वंशज है जो कि जब भगवान श्री कृष्ण का और कालिया नाग का युद्ध चल रहा था तो डर के हमारे जमुना जी से भागने लगे थे, जब ये भाग रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा था कि ब्रज क्षेत्र में पूरे में आप भाग जाओ भाग रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में रहते हुए आपने पलट के पीछे की तरफ देखा तो पत्थर के हो जाओगे, तो ये उन्हीं के वंशज थे, नाम क्या बताया था मैं भूल गया हूँ, आप वीडियो पूरा ठीक से देखोगे तो आपको नाम पता चल जाएगा इनका, मैं फिलहाल मैं भूल चुका हूँ नाम को, तो ये कालिया नाग के वंशज हैं, कहते हैं जैसे रावण और कुंभकर्ण का रिश्ता था वैसे ही इनको छोटा भाई मान सकते हो, उनके खासम खास परिवार में थे जो कालिया नाग थे उनके छोटे भाई कह सकते हैं या परिवार के कोई और सदस्य कह सकते हैं, लेकिन है उन्हीं की परिवार से जो कालिया नाग महाराज थे उनके से। और गाइस जब छोटे छोटे थे बच्चे थे तब भी मेले वगैरह में घूमने जाते थे तो जलेबियाँ जरूर लाते थे, अगर आज बड़े बड़े हो गए तो एक करोड़ जलेबी पैसे भी आ गए, जलेबी हमारी हो चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, टाइम बहुत हो गया, दोपहर लगभग 2 बजे का आया था और 6 बज गए, तो 4-5 घंटे आराम से मेला एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया, बहुत दिन बाद 15-20 साल बाद भाई किसी मेले में आया हूँ मैं, छोटे छोटे से उस समय से फिर जीवन में ऐसे व्यस्त हुए कि टाइम ही नहीं मिलता, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब छोटे छोटे बच्चों को आजकल चैनलों की कितनी जानकारी है, मुझसे पूछ रहा है कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने होने चाहिए? 1-2 लाख वो भी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका?
सुगम पाल इनके घर के सुगम राज इनके घर के रहने वाले हो। चलिए हेलो कर दो एक बार। चलिए भाई बहुत जानकारी होने लगी है बच्चों को। मनोज फौजी ब्लॉक भाई बहुत भयंकर भीड़ है, ऊपर से गर्मी बहुत हो रखी है क्योंकि भीड़ है। थक गया हूँ, घर के लिए निकलते हैं, इस ब्लॉक को कर देते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए जैत का मेला खत्म, हैप्पी बसंत पंचमी, सॉरी हैप्पी नाग पंचमी।